बारे में बताएं। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मोदी जी का दूसरे काल का बजट आम इलेक्शन के पहले का समझो पूरे साल का आखिरी बजट पेश किया है। बजट दूरगामी है, एक देश को आगे ले जाने का लक्ष्य रखते हुए युवाओं को रोजगार मिले, ग्रामीण इलाके में आदिवासी इलाके में पैसे पहुँचे और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश आगे बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए ये बजट बना है। अपने लक्ष्य के को ध्यान में रखते हुए ही इस बजट में बीज बोए हैं। एक साल का बजट नहीं, कोई ऐसा नहीं कि खूब रेवड़ियां बांटने वाला बजट हो, बिल्कुल नहीं। अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और देश को आगे ले जाने के लिए ये बजट बना है। बजट के अंदर जो इन्होंने टूरिज़्म के ऊपर ध्यान दिया है, इससे दूर दराज के इलाकों में जो हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं 50 जगह अंकित की है, तो वहाँ पर अपने आप रोजगार बढ़ेगा। इन्होंने हमारी कोस्टल लाइन, आप देखेंगे तो कोस्टल लाइन भारत का तीन तरफ से पानी है, वो कोस्टल लाइन को विकसित करने के लिए उन्होंने बात को सामने रखी है। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा दोनों पे ध्यान दिया है। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी है। महंगाई को कंट्रोल करते हुए रोजगार और कौशल विकास, आप देखिए कौशल विकास के लिए भी फोकस किया है, क्योंकि भारत देश विश्व का युवा देश बनने जा रहा है, तो युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लाइब्रेरी, ये जो चीज़ें सामने लाई है, सस्टेनेबल सिटीज़ टियर 2 टियर 3, सब लोग मेट्रो में भाग की तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं, हमको लोगों को रोक के रखना है। तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के लिए जो अलोकेशन किया है, लोकल गवर्नमेंट को ध्यान में रखा है, इनके पास पैसा नहीं है तो लोकल कॉरपोरेशन को पैसा मिले, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन उन्होंने आगे बढ़ा दिया, ये चीज़ें जो मूलभूत है ये महत्व की है। हालांकि हमें ऐसा लगा कि GST में कुछ ना कुछ प्रकार की घोषणा होना था, एमनेस्टी स्कीम होना था, या जो दरें हैं वो कुछ कम होना था, तो GST में वो दरें कम नहीं हुई। इनकम टैक्स में जो अपेक्षाएं थी, तो इनकम टैक्स में भी अपेक्षाएं जो हमारी है वो पूरी नहीं हुई। हाँ, उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छे प्रावधान किए, इसमें कोई शक नहीं है। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉ, 3,000-4,900 कानूनों को उन्होंने बिल्कुल पुलिस मुक्त कर दिया, 39,000 प्रावधान अलग अलग कानून के उन्होंने हटा दिए, ये अच्छा है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो विद फाइनेंस बैंकों के लिए आज क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत उन्होंने 3 करोड़ तक के लिए केंद्र सरकार अपने ऊपर जवाबदारी ले रही है, कोलेट्रल फ्री। आज व्यापारियों के पास कोलेट्रल देने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनको लोन नहीं मिल सकता, 3 करोड़ के लोन तक सरकार ने अपनी जवाबदारी पे आप लोन दीजिए ऐसा बैंकों को बोला है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये बहुत स्पष्ट है कि इलेक्शन को ध्यान में रखते कोई बजट नहीं है, ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, किसानों को ध्यान में रख के, महिलाओं को ध्यान में रख के, युवाओं को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है, ऐसा मुझे लगता है। MSME के लिए कुछ कॉर्पस फंड का अनाउंसमेंट हुआ है बजट में, तो MSME भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। MSME के लिए इन्होंने जो बातें कही हैं, पैसे की रिकवरी, आज हम उधार देते हैं उसकी रिकवरी नहीं आती, उसके लिए उन्होंने प्रोविज़न किया है कि MSME काम करें। आप एक चीज़ और देखें कि सरकारी लेबोरेटरी का रिसर्च का उन्होंने शेयर करने की परमिशन दे दी है, तो इससे अगर मेरे पास कोई रिसर्च करने वाले लोग हैं तो वो लोग भी अब वो लेबोरेटरी का इस्तेमाल कर सकते, तो उसके लिए हमको अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ये भी एक बहुत अच्छा प्रावधान सरकार ने लाया है।